हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीप हियर एंड टुडेज क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ क्लास 4। द चैप्टर नेम इज आवर क्लॉथ्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। इसका इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, जिसमें आपको इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लें, ताकि आपको जो क्वेश्चन आंसर हम अभी करवा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, सो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टिक द करेक्ट आंसर, इसमें जो भी आंसर करेक्ट है उसके सामने टिक करना है। तो देखिएगा, स्लैश देके हर एक क्वेश्चन में दो दो वर्ड दिया गया, इसमें से एक वर्ड क्या है, ट्रू है, तो वही क्या करना है हमको आंसर में लिखना है। We wear cotton और woolen clothes in summer। हम लोग गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के या फिर वुलन के? तो आंसर क्या होगा, कॉटन। कॉटन और सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट अकर नेचुरली। इसमें से कौन सा फाइबर है, कॉटन है या फिर सिंथेटिक है, कौन सा फाइबर नेचुरली हमको प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स। नाइलॉन इज अ सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर। नाइलॉन कैसा फाइबर है, सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है? तो क्या हो जाएगा आंसर, सिंथेटिक। कॉटन और वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म इन विंटर। कॉटन का कपड़ा या फिर वुलन का कपड़ा, कौन सा कपड़ा हम लोग को विंटर मीन्स सर्दी मीन्स ठंडे के मौसम में बॉडी को गर्म रखती है? तो क्या होगा, वुलन। रेनकोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन और कोल्ड। रेनकोट जो होता है, बरसाती जो होता है, वो हमें ठंडे से बचाता है या फिर वर्षा से, बारिश से बचाता है? तो ऑप्शन 2 है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, रेन। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए बच्चों टी लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्लॉथ्स आर नॉट नेसेसरी फॉर अस। हम लोगों के लिए बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि कपड़ा हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ये क्या है, फॉल्स। वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। हम लोग कपड़ा अपने शरीर को ढकने के लिए एंड शरीर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ए फाइबर इज अ थ्रेड From which clothes are made। एक फाइबर जो है जो वो एक धागा होता है जिसके द्वारा कपड़े बना होता है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू। कॉटन एंड वूल आर नेचुरल फाइबर। कॉटन और वूल क्या नेचुरल फाइबर है? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। वी गेट सिल्क फ्रॉम द शिप। क्या हम लोग सिल्क के जो धागे होते हैं वो शिप से प्राप्त करते हैं? तो ऑब्वियसली शिप से प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी। Find out the mistakes and rewrite the given statements correctly। इसमें जो गलती लिखा हुआ है उसको खोजना है और इस स्टेटमेंट को आपको खुद से सही लिखना है। Got it? तो देखते हैं क्या इसमें गलत है और इसका सही क्या होगा। Clothes protect our body from the heat of the gas। तो इसमें गलत क्या है बच्चों? तो यहां दिया क्या है, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, बिल्कुल सही है, फ्रॉम द हीट ऑफ द गैस। क्या यह गैस के गर्मी से हमको बताता है? क्लॉथ जो हम पहनते हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं, वो गैस के गर्मी से ही हमको बचाता है? नहीं। क्या हो जाएगा, फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। बाहर के जितने भी चीज होते हैं, वो हॉट हो, वो कोल्ड हो, या फिर जो भी हार्मलेस चीज होता है, वो सारे चीजों से हमको क्या होता है, मेरे कपड़ा मेरे को बचाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो लिखा गया है द हीट ऑफ द गैस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। फ्रॉम होगा आउटसाइड सोर्सेस। वी वेयर हाफ स्लीव्स क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम इंसेक्ट। क्या हम लोग जैसे कि हाफ टी शर्ट जो होता है उसको हाफ स्लीव बोला जाता है, हाफ टी शर्ट जो भी होता है, हाफ बाजू का टी शर्ट या हाफ बाजू का शर्ट, क्या हम लोग कीड़े मकोड़े से बचने के लिए वो पहनते हैं?
ऑब्वियसली नॉट, हम लोग हाफ स्लीव ही थोड़ी ना कीड़े मकोड़े से बचने के लिए पहनते, कोई भी क्लॉथ्स पहन सकते हैं हम लोग क्या है कीड़े मकोड़े से बचने के लिए, जरूरी नहीं कि वो हाफ स्लीव्स ही हो। तो यहाँ हाफ स्लीव्स जो दिया गया है वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ सिर्फ क्या होगा, वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, वी वेयर पार्टी क्लॉथ्स व्हेन वी गो टू स्कूल। इसमें दिया गया है कि हम लोग पार्टी क्लॉथ्स पहनते हैं स्कूल जब जाते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट, स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे, पार्टी क्लॉथ तो पहनेंगे नहीं। तो यहाँ क्या आंसर, ये जो दिया गया है पार्टी क्लॉथ ये है रॉन्ग, यहाँ क्या होना चाहिए स्कूल यूनिफॉर्म, वी वेयर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। नेक्स्ट है ए हाउस वाइफ वेयर्स स्पेशल यूनिफॉर्म, तो यहाँ सब चीज ठीक है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा, हाउस वाइफ को यूनिफॉर्म नहीं पहनती, वो क्या करती स्पेशल क्लॉथ्स पहनती। जो हाउस वाइफ होती है जो खाने बनाती है उनके बारे में बोला जा रहा है, ए हाउस वाइफ वेयर ए स्पेशल क्लॉथ्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करना है। तो क्या है, व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें कपड़े की जरूरत क्यों होती है, तो क्या होगा इसका आंसर, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी या फिर क्लॉथ्स कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। कपड़े जो है सो हमारे शरीर को गर्म रखती है और बाहरी जो भी हार्मलेस चीज होती है उससे मुझे हम लोगों को बचाती है। ठीक, व्हाई डू वी वेयर इन समर सीजन, सॉरी व्हाई डू वी वेयर इन समर सीजन, मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हम लोग गर्मी के दिनों में कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, हम लोग गर्मी के दिनों में क्या पहनते हैं, सॉरी इसका मतलब हम लोग गर्मी के दिनों में क्या पहनते हैं, आंसर क्या होगा, कॉटन क्लॉथ्स वेयर इन समर सीजन, हम लोग गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं, सूती के वस्त्र को पहनते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इंसेक्ट, हम लोग कैसे अपने बॉडी को कीड़े मकोड़ों से इंसेक्ट से बचा सकते, तो कपड़े पहन के, टू वेयर क्लॉथ्स वी प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इंसेक्ट। तो ये रहा क्वेश्चन एंड आंसर इस चैप्टर का, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लेना है एंड आंसर को अभी हम दे रहे हैं उसको राइट डाउन कर लेना, ओके। तो ये रहा आंसर जो क्वेश्चन अभी आपको हम करवाए हैं, तो ये ए का ये आंसर रहा, ए में जो 5 क्वेश्चन था उनका आंसर, फिर बी में जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर, और फिर सी में जो दिया गया था इनकरेक्ट सेंटेंस उसको करेक्ट करके लिखना था, तो वो करेक्ट सेंटेंस करेक्ट स्टेटमेंट ये रहा, उसमें 4 क्वेश्चन था वो 4 क्वेश्चन का ये आंसर है, और ये डी में जो दिया गया था क्वेश्चन उस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो बस आपको ये सारे आंसर को क्वेश्चन के साथ लिख लेना है, ओके। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू।